मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब गाइस? हम यूनिवर्सिटी, आज का दिन कुछ ऐसा है कि हम क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगे, बट आज हम आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। हम जाएंगे अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। नीचे सेकंड ईयर वालों बच्चों की क्लासेस लगती हैं, ऊपर यहाँ फर्स्ट ईयर वालों की। ये इनका एग्रीकल्चर का, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है ना, क्या नाम अंशा, ग्रीनरी। तभी तो इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दो हजार रुपये भी नला रखे है भाई। तो ये एग्रीकल्चर एरिया में लिफ्ट की सेक्रेटरी है। यहाँ पे मेरे को महीने के 2000 रुपए बंद करे हमारे। वाओ गाइस, हम ऊपर जाओगे। ये है कलम, इससे हम इससे इतिहास लिखेगा अपना डूबता हुआ। तो ये हम सबसे ऊपर आ चुके हैं। इनका पार्क देख लो आप, कितना प्यारा है। और ये एक ये पार्क के प्यारा मानस को नहीं है। हाय गाइस, यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में क्लास से, हमें सीनियर क्यों किया साइकिल से। यहाँ पे आके इतना तो पता चल गया, यहाँ शांति बहुत है। और हमारे वहाँ यहाँ तो बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे सारे पढ़ने वाले, और उधर यहाँ तो बहुत शांति है। तो ये क्लासेज है यहाँ की, और ये खाली है सारी, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारी टीचर है। डेंजर, खतरा, यहाँ पे खतरा है, हमें नहीं पता क्या है खतरे में, लेकिन यहाँ खतरा है। ये है खतरा। यशिका, हम इस टाइम डेंजर जोन के अंदर हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज केमिकल्स पीते हैं ये, यहाँ पे लैब्स है, और ये जिसको मरना केमिकल पियो और मर जाओ। मैं जा रही हूँ गाइस, बाय। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा है ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे ये सारा, बच्चे भी नहीं है यहाँ ज़्यादा, और हमारे वहाँ चले जाओ बच्चे बाहर ही दो। तो इनका डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये सारे बच्चे अपनी क्लासेस लगा रहे हैं टाइम टू टाइम। और हमारी साइड तो उधर हॉस्पिटल के अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो चलिए थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये देखो, बी रिलेटेड हैप्पी दिवाली गाइस, क्लासेस हैं। तो हम प्रमोशन करते फिर रहे हैं अपने ब्लॉग का, और यशिका जी प्रमोशन करेंगी। यहाँ पे हमें कुछ हमारे दोस्त मिल गए, वो भी लिख रहे हैं हमारे ब्लॉग का नाम, नहीं हमारे चैनल का नाम। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो नीचे से हमें बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। देख लो इनका गार्डन, वंडरफुल। यशिका जी क्या कहना चाहोगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में? इधर के बीसीए डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सारे बहुत बढ़िया हैं। हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे नर्सिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो है सॉरी फार्मेसी डिपार्टमेंट। चलो सुनते हैं। अंकल मिले हमें लिफ्ट में। हेलो। तो अंकल बोल रहे इंटरव्यू चल रहे थे, तो फिर हमने बताया कि इंटरव्यू नहीं है, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। अंकल आप फोन में क्या चला रहे हो? अंकल बोल दो लाइक सब्सक्राइब करें। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम घूम चुके हैं, अब हम जाएंगे आगे एमबीए डिपार्टमेंट में। चलते हैं, चलो मिलते हैं फिर आपसे। अभी हम आए हैं एमबीए बीबीए डिपार्टमेंट में, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी देखी, हम भी ना अपने व्लॉग्स के थ्रू ही यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। हम तो हॉस्पिटल तक ही सीमित थे, वहीं से आते थे अपना एक्सरे करके फिर चले जाते थे, क्लासेस लगा के फिर चले जाते थे। क्या हुआ? वो बदमाशी की बात कर रहे थे, मेरे को डर लग रहा है यार। अच्छा, मैं सीधा अकेले इधर आ गए हैं। तो ये हमें यहाँ एक्सप्लोर करा रहा है, इस एरिया का हमें ज़्यादा पता नहीं, तो इसे पता था। बोल बोल गाइस, वो है जनरेटर छोटे वाले, मतलब पता नहीं मैं क्या उठ गया, मैंने आ देखो सड़ू वहाँ, वो ट्रांसफार्मर है, जूम करे क्या यार ये सीधा। हाँ बस कर ले, बेंद भी करना हो। हाँ पर लेकिन दिखा दे, वो गाड़ी है, आपने गाड़ी देखी नहीं गाइस? देखी है सबने। और ये देखो, ये मेरा और यशिका का, खुद तो इसने काम करना नहीं, मेरे को दे के रख दिया ये ऐसी चीज़ें, और यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं गाइस। कौन देख रहा है? देखने दे।
और एक अभी अभी भी बोल दे थोड़ी सी अंदर ना जावा ही वे कुछ हो जियो क्यों ना छोड़ ना यार क्या करेंगे तो अभी क्या हुआ ये थोड़ी हरियाणवी बोलता है ना तो बोलता है मेरे हमें बोल रहा है कि तुम्हारे व्लॉग के चक्कर में मेरे को सुदिंदी बोलनी पड़ गया भाई तू सुदिंदी क्यों बोल रहा है तू हरियाणवी बोल क्या बोल हरियाणवी समझ आएगी सबको देखिए भाई सब देखो आएगा ओके बोलो ना हम यहाँ से निकल चुके हैं अब हम अपने ही हॉस्पिटल एरिया में जाएंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर लगाना है फिर अपने घर की तरफ टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे तो अभी हम पार्किंग में आए हुए हैं हमसे मिलने कुछ बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आए हुए हैं जो कभी हमसे मिलते नहीं इतने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं हमसे कभी मिल नहीं रहे ये हैं वो बड़े बड़े चेहरे बड़े तो हमारे पास ये नया चेहरा आया था दृष्टि प्यारे दोस्त हमारे जो हमें यहाँ पे आके भूल चुके हैं नहीं भूल रहे हमें बिल्कुल याद नहीं करते करते थे तब तक इसको मैं याद थी उसके बाद दृष्टि जी क्या कहना चाहोगे आई लव यू तो अब हम जैसे कि ये हमारे इधर आइए हमसे मिलने तो इसको लेके जा रहे हैं आप चाय चस्का में वहाँ पे जाके मिलते हैं और ये है हमारे परम मित्र इनका आपको पता है अरे ये मेरे आगे कोई ना भी ये है ओह हमें पता नहीं था रहा कि आप तो चलो चलते हैं अंदर तुम जाना बहुत जरूरी है भाई तुम जाओ इतना भारी बैग मेरे बैग में एक कॉपी और एप्रन मेरे बैग में तो एप्रन होता है इतना भारी जिंदगी में नहीं कभी अनपैकिंग कर बैग की बैग को अनपैक करते हैं तो इसमें है और टिफिन बोतल वाटर बोतल और ये देखो बच्चे पढ़ते हैं अभी तो हमें आज कंटेंट मिल रहा है ये कोई कंटेंट नहीं था ये ले ली खुद आई है मतलब बाय चांस क्योंकि आज बिचारी के लेक्चर नहीं थे तो ये हमारे पास आ गया हमें कंटेंट मिल गया मौजा ही मौजा गुंगी है तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ओके